गया कि रामपुर थाना क्षेत्र के गोदावरी मोहल्ले की निवासी कमल देव यादव का शव शनिवार को ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मिला था। इसकी पहचान रविवार को हो पाई। इसके साथ ही शव को रामपुर थाने के सामने रखकर गया डोभी मार्ग पर परिजनों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस पर सुस्ती का भी आरोप लगाया है, साथ ही साथ हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। आपको बता दें कि सेफ शॉप में काम करने वाले कमल देव यादव 13 दिसंबर 2021 से लापता हो गए थे। उनकी पत्नी पार्वती देवी ने रामपुर थाने में उनके लापता होने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। इसमें कई लोग को नामजद भी किया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा उनकी पत्नी आरोप लगा रही है। मृतक की पत्नी पार्वती देवी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1 माह 4 दिन गुजर जाने के बाद पति का शव बरामद हुआ। अगर पुलिस सक्रिय रहती तो पति की हत्या नहीं होती। पार्वती देवी, मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है, मेरा पति, और 1 महीना 4 दिन से निपटत है। अब रोज आके यहाँ पुलिस स्टेशन में बोलते हैं कि सर मेरा पति गायब है, कुछ करिए, हमको रवि बाबा पे शक है, वही हमको पैसा लेने के लिए बोला है, मेरा पति घर नहीं आए। पुलिस रोज रोज कहता है कि तुम्हारा पति लड़की लेके भाग गया, वो सर जो है ना उजला वाला वो पैसा खा लिए। अब मैंने बोल दिया कि तुम्हारा पति चल गए लड़की लेके, तो कहें कि मेरा पति लड़की ले जाए जुगत नहीं है, मेरा पति एडवांस आदमी है, कौची लड़की ले जाएंगे, जब जब लेना था जब तो नहीं गए। मेरा ये मिला हुआ से मुफस्सिल थाना से, रामपुर थाना है वही नंबर है कि मुफस्सिल थाना से ही मिला। रामपुर थाना फोन कर रहे हैं, सर फोन नहीं उठा रहे हैं, सर फोन नहीं उठा रहे हैं, रामपुर थाना फोन किए तो फोन नहीं उठा रहे। इस मामले में सिटी डीएसपी पारसनाथ साहू ने बताया कि इस मामले में 2 लोग छोटू मिश्रा व सत्येंद्र उर्फ सत्तू को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र हमेशा मृतक कमल देव यादव के साथ रहता था, वहीं छोटू मिश्रा को कमल देव ने काम दिया था। एक गोदावरी के आसपास के सत्तू कमल देव सिंह थे, जो सेफ शॉप चलाते थे, सूद पे पैसा भी का भी कारोबार था, जमीन के भी कारोबार में व्यस्त थे। वो 13 दिसंबर से अचानक गायब हो गए। उनके परिजनों के द्वारा थाना में केस कराया गया था, 2 पंडित जी, 2 भाई हैं उनके विरुद्ध में, कि वो पैसा लिए थे सूद पे, अब पैसा नहीं दिए, उनके द्वारा उस दिन की था कि पैसा दे दिए हैं, इसी संदर्भ में उन पर केस हुई थी, जांच की जा रही थी। अफरीद का मोबाइल का लोकेशन वगैरह सब देखा जा रहा था, 10 जनवरी तक देखा गया, कहीं कुछ लोकेशन नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों से बात हुई थी घटना के दिन, उस पर भी अनुसंधान किया जा रहा था। कल 1.5 बजे मिली मुफस्सिल में बोरे में बंद, जिसके बारे में इनके परिजनों को सूचना मिली, लोग जाके देखे तो पहचान किए कपड़ा से और अंगूठी वगैरह से कि उन्हीं का है, कमल देव सिंह का ही है, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। और उस केस में 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है, एक सत्तू उर्फ सत्येंद्र सिंह, जो रात दिन उसी के साथ में रहता था, तथा कथित जो अफरीद था कमल देव सिंह, जिनकी लाश मिली है, उन्हीं के साथ वो हमेशा रहता था, और एक जो नेम्ड एफआईआर था पंडित जी, उसमें से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है।